दोस्तों, अगर हम जानवरों की बात करें तो जानवरों के हर स्टडी में हमें हर बार कुछ नया, कुछ अनोखा जानने को मिलता है। जानवर बहुत ही मजेदार, प्यारे और बहुत ही दिलचस्प होते हैं, और खासकर उन जानवरों के बच्चे, क्योंकि वो बहुत ही छोटे, प्यारे और काफी अलग होते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवर के छोटे बच्चे देखने वाले हैं जो शायद ही आपने पहले कभी देखे होंगे। मगर शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास वाली घंटी के आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दे। हिप्पोपोटामस। दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि हिप्पो साइज में बहुत ही बड़े होते हैं, और कभी कभी वो इतने आक्रामक हो जाते हैं कि वो किसी की जान तक ले सकते हैं। पर दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जब ये पैदा होते हैं तो ये इतने खतरनाक और बड़े दांतों वाले नहीं होते, बल्कि बहुत ही प्यारे होते हैं। दोस्तों, हिप्पो का प्रेगनेंसी पीरियड 8 महीने का होता है, जिसके बाद ये प्यारा सा बच्चा पैदा होता है। और दोस्तों, हिप्पोपोटामस का मतलब है दरियाई घोड़ा, जिसकी वजह से हिप्पो हमेशा पानी में ही अपने बच्चे को जन्म देता है, जिसके बाद वो बच्चा अपने आप तैरकर सतह पर आता है और अपनी पहली पहली सांस लेता है। दोस्तों, आमतौर पर तो ये अकेले पैदा होते हैं, पर कभी कभार ये ट्विन्स भी पैदा होते हैं, जिसके बाद इसकी माँ उसका बहुत ही ख्याल रखती है, और अगर गलती से कोई अनजाने से करीब आ जाता है तो ये उस पर हमला करके उसे भगा देती है। दोस्तों, जब मेल हिप्पो को ये लगता है कि उनकी पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है तो ये अपने बच्चों को भी मार देते हैं, हालांकि नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसा नहीं करते। और दोस्तों, 1 साल में ये बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपने आप खाना खा सकते हैं, और 5 साल बाद वो एडल्ट बन जाते हैं। स्नेल्स। दोस्तों, स्नेल को कुछ जगहों पर पेट बनाया जाता है तो कुछ जगहों पर खाने में सर्व किया जाता है, और कुछ लोग इन्हें फेंक देते हैं क्योंकि ये पौधों को खा जाते हैं। पर दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि नया जन्मा हुआ स्नेल कैसा दिखता है? हाँ दोस्तों, आप कहोगे कि ये दिखने में तो बड़े स्नेल जैसा ही चिपचिपा और हार्ड शेल के साथ होगा, पर दोस्तों हम आपको बता दें कि यह पूरा सच नहीं है। दरअसल दोस्तों, स्नेल एक साथ 100 अंडे देते हैं, जिसमें से 3 या 4 हफ्ते बाद उसमें से बेबी स्नेल निकल आते हैं, जो दिखने में बिल्कुल पारदर्शी और बहुत ही छोटे होते हैं, जो पैदा होने के 1 या 2 दिन बाद ही अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। पोलर बेयर। दोस्तों, पोलर बेयर मगरमच्छ के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शिकारी है, जो कठोर से कठोर मौसम में भी जिंदा रह सकते हैं, जो दिखने में बहुत ही बड़े और खूबसूरत लगते हैं, पर ये बहुत ही हिंसक होते हैं। पर दोस्तों, जब ये पैदा होते हैं तो दिखने में बहुत ही प्यारे होते हैं। दोस्तों, ये अंधे पैदा होते हैं, जिसका वजन करीब 0.5 किलो का होता है, और पैदा होने के बाद कुछ महीनों तक वो अपनी माँ के साथ अपनी गुफा में ही रहते हैं, जहाँ पर उसकी माँ उसको दूध पिलाकर उसका ख्याल रखती है। और जब वो पहली बार गुफा के बाहर आता है तो उसका वजन 10 से 15 किलो तक का हो चुका होता है। दोस्तों, पोलर बियर के ताजा बच्चे को देख पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि ये अपनी गुफा में पैदा होता है और कुछ महीनों तक वहीं पर रहता है। मगर इस वीडियो में आप इसे देख सकते हैं, और जो दिखने में बिल्कुल किसी पप्पी के जैसा दिखता है। स्पाइडर्स। दोस्तों, मैंने शुरुआत में कहा था कि सभी जानवरों के बच्चे प्यारे होते हैं, पर दोस्तों मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैं उसे वापस लेता हूँ। क्योंकि जब बात हो रही हो मकड़ियों की, तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो इसे नहीं डरता होगा। दोस्तों, दूसरे जंतु की तरह मकड़ियाँ भी अंडे से निकलती है। दोस्तों, एक मकड़ी 2 से लेकर 1000 तक अंडे दे सकती है, जो उनकी स्पीसीज यानी कि जात पर डिपेंड करता है। और दोस्तों, यहाँ देखकर आप समझ गए होंगे कि एक अंडे से कितने मकड़ी के बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों, जब ये अंडे के अंदर होते हैं तो कुछ हद तक बड़े होने के बाद ही वो अंडे के बाहर आते हैं, इसलिए वो बड़ी मकड़ी के जैसे ही दिखते हैं। बहुत ही अजीब है ना दोस्तों। पर मकड़ी की कुछ प्रजाति ऐसी होती है जो अपने अंडों की रक्षा करती है, और जब ये बच्चे अंडे से बाहर निकल आते हैं तो वो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं, जिसके बाद वो खुद अपना ख्याल रखते हैं, जिसका औसत जीवन काल 1 से 2 साल तक का होता है। राइनोसिरस। दोस्तों, गैंडे का बच्चा हिप्पोपोटामस के बच्चे जैसा ही प्यारा दिखता है, जिसे देखकर आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये एक दिन बड़ा होकर एक खतरनाक जानवर में बदल जाएगा। सीरियसली दोस्तों, जब ये छोटे होते हैं तो बहुत ही प्यारे और नटखट होते हैं, जिन्हें खेलना बहुत पसंद होता है। दोस्तों, जब ये पैदा होते हैं तो उसके बाद अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखने में उन्हें 3 दिन का समय लगता है। और दोस्तों, जब तक उसकी माँ को नहीं लगता कि उसका बच्चा बड़ा हो गया है, तब तक वो अपने बच्चे की देखभाल करती है, जिसका पीरियड लगभग 2 से 3 साल तक का होता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होकर एक एडल्ट खतरनाक गैंड में बदल जाता है। स्नेक्स।
दोस्तों आज के वीडियो में हमने जितने भी जानवरों के बच्चे देखे वो सभी देखने में प्यारे थे, पर दोस्तों सांप एक ऐसा जीव है जो बड़ा हो या छोटा वो जानलेवा होता है और जिससे हर कोई डरता है। दोस्तों सांप हमेशा अंडे से ही पैदा होता है जो वसंत की शुरुआत में मीटिंग करते हैं, जिसके बाद फीमेल सांप गर्मियों में अंडे देती है और एक सांप 200 से लेकर 100 से भी ज्यादा अंडे दे सकता है। हाँ जरूर, यह उनकी नस्ल पर डिपेंड करता है। पर दोस्तों सवाल यह है कि क्या कभी आपने अंडे से निकला हुआ सांप देखा है? दोस्तों सांप को अंडे से बाहर निकलने में करीब 80 से 90 दिन लगते हैं, जिसके बाद वो अंडे से बाहर निकलता है, जिसकी औसत लंबाई 5 से 10 इंच के बीच होती है, जो 3 मीटर लंबे ब्लैक मांबा के मुकाबले कुछ नहीं है। और दोस्तों जब ये अंडे से बाहर निकल आते हैं तो कुछ नस्ल के सांप बड़े सांपों के मुकाबले ज्यादा जहरीले होते हैं, जो अफ्रीका में कई मौतों के लिए जिम्मेदार है। कांगारू। शायद दुनिया के सभी जीवों में कांगारू के पैदा होने का तरीका सबसे अजीब है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अजीब। दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि कांगारू अपने बच्चे को अपनी एक खास तरह की थैली में रखता है, पर दोस्तों क्या आपको ये पता है कि वो बच्चा वहाँ पर पहुँचता कैसे है? दोस्तों जब ये बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर का होता है, क्या आप यकीन कर सकते हैं? दोस्तों इसके ना हाथ होते हैं ना तो पैर। दोस्तों पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने आप सरकता हुआ अपनी माँ की थैली में चला जाता है, जहाँ पर वो विकसित होता है और वहाँ पर वो करीब 190 दिन तक रहता है, जिसके बाद वो वहाँ से बाहर खेलने के लिए निकलता है और सिर्फ सोने के लिए अपनी माँ की थैली में जाता है, और आखिर में 7 से 10 महीने बाद वो थैली से हमेशा के लिए बाहर निकल आता है। बैट्स। दोस्तों चमगादड़ हर किसी की पसंद नहीं होते, और क्योंकि चमगादड़ की कुछ प्रजातियां खून चूसती है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इससे डरते हैं। हालांकि बेबी चमगादड़ बहुत ही प्यारे होते हैं। दोस्तों चमगादड़ एक ही बार में एक ही बच्चे को जन्म देता है, और इस बात को समझा भी जा सकता है क्योंकि चमगादड़ के बच्चे का वजन अपनी माँ के वजन का 40% होता है, जिसकी वजह से ये कभी ट्विंस पैदा नहीं होते, और पैदा होने के बाद इसकी माँ दूध पिलाकर इसका बहुत ख्याल रखती है, जिसके 17 या 18 दिन बाद ये उड़ना सीख जाते हैं। पर कुछ प्रजाति के चमगादड़ को उड़ना सीखने में करीब 80 दिन तक लग जाते हैं, हालांकि ये उनके खाने पर निर्भर करता है। ऑक्टोपाई। दोस्तों आप इसके हाथों में जो चिपचिपे छोटे छोटे दाने जैसी चीज देख रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि ऑक्टोपस के बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक दिन 4.5 फीट लंबे ऑक्टोपस में बदल जाएंगे। दोस्तों ज्यादातर ऑक्टोपस तो रात को ही अंडे देते हैं, जिसको वो किसी चट्टान के नीचे चिपका देते हैं, जिससे वो शिकारियों से अपने अंडों को बचा सके, और इस अंडों से बच्चों को निकलने में करीब 4 से लेकर 6 महीने तक निकल जाते हैं, और कुछ केस में तो कई साल लग जाते हैं। पर दोस्तों ऑक्टोपस की ममता सबके लिए एक बड़ा उदाहरण है, क्योंकि दोस्तों जब तक अंडों से बच्चे निकल नहीं आते तब तक ये फीमेल ऑक्टोपस अपने अंडों के साथ ही रहती है, और वो भी बिना कुछ खाए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये 6 महीने तक कुछ नहीं खाती, और जब उसके अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं तो उसके माँ में शिकार करने की ताकत ही नहीं बचती, जिसकी वजह से बच्चों के पैदा होने के कुछ देर बाद वो मर जाती है। पर हे, कुदरत में ये तो आम बात है। एलिफेंट्स। दोस्तों हाथी धरती पर मौजूद सबसे बड़े स्तनपायी जीव है, और अफ्रीका के बुश एलिफेंट 11 से 15 साल की उम्र में एडल्ट बनते हैं। दोस्तों हाथी का प्रेगनेंसी पीरियड 22 महीने का होता है, जो इंसानों से 2.5 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से हाथी हर 3 से 4 साल में पैदा होते हैं, और पैदा होने के सिर्फ आधे घंटे में ही वो खड़ा होकर चलना सीख जाते हैं, और ये मुमकिन होता है इनके इतने लंबे प्रेगनेंसी पीरियड की वजह से, जिसके बाद वो कुछ साल में फुली मैच्योर हो जाते हैं। पर तब तक इसकी माँ इसका बहुत ख्याल रखती है, और क्योंकि इन बच्चों को शिकारियों का खतरा भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनको काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, और कुछ साल बाद ये अपनी माँ का दूध छोड़कर वेजिटेरियन खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही नॉलेज के वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास वाले घंटी के आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए।